डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। क्लास टेंथ के लिए साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग साइंस में एक केमिस्ट्री को पार्ट को पढ़ना शुरू किया है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हम लोगों ने इसके पिछले दिन पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। उसको हम लोग नोटिफिकेशन करने के लिए एक संक्षेप रूप भी देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण में हम लोग ये भी पढ़ा था कि उत्पाद किसको कहते हैं, प्रतिफल भी उसी को कहते हैं, और अभिकारक किसको कहते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा कि जो रासायनिक समीकरण में तीर का निशान होता है, उसके बाएं तरफ की जो भी चीजें होंगी क्या कहलाएंगी, अभिकारक, राइट। और जो तीर के निशान के दाएं तरफ की चीजें होती है उसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं या फिर उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। तो टॉपिक दिया जाए रासायनिक समीकरण के रूप, कि कितने रूप का होते हैं रासायनिक समीकरण के रूप, ठीक है। उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे रासायनिक समीकरण दो रूपों में पाए जाते हैं, पहला संतुलित रूप, या फिर बोल सकते हैं संतुलित समीकरण। दूसरा असंतुलित समीकरण। ध्यान रहे, असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। कंकाली, ऐसे कंकाल मतलब तो जानते हैं हड्डी, वैसे ही असंतुलित समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। रासायनिक समीकरण में अभिकारक होते हैं, प्रतिफल होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा कि किसको अभिकारक बोलेंगे, किसको प्रतिफल बोलेंगे। अब ये कितने रूप में पाए जाते हैं समीकरण, तो दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला का जो नाम होता है संतुलित समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया का असंतुलित समीकरण, ठीक है। अब हमें यहां पे जानना होगा, सीखना होगा कि आखिर कब हम सर बोलेंगे कि संतुलित समीकरण है और सर हम कब बोलेंगे कि असंतुलित समीकरण होगा, यानी कि कब बोलेंगे संतुलित और कब बोलेंगे असंतुलित, और असंतुलित का मतलब होता है कंकाली समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो अब टॉपिक लिखा जाए रासायनिक संतुलित समीकरण। अब इसके बारे में जरा लिखा जाए कि रासायनिक संतुलित समीकरण किसको कहते हैं। तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे संतुलित समीकरण के नीचे, यदि किसी रासायनिक समीकरण के तीर के बाईं तथा दाईं दोनों ओर की परमाणु संख्या समान मतलब बराबर हो तो उसे
रासायनिक संतुलित समीकरण कहा जाता है? रासायनिक संतुलित समीकरण कहा जाता है, बताते हैं कि क्या है। अब लिखा जाए उसके नीचे एरो देकर टॉपिक बनाएंगे, रासायनिक संतुलित असमीकरण, कि असंतुलित किसको कहेंगे। तो अब टॉपिक बनाएंगे रासायनिक असंतुलित समीकरण, रासायनिक असंतुलित समीकरण। उसमें लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, यदि किसी रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं तथा दाएं दोनों ओर, तीर के बाएं तथा दाएं दोनों ओर परमाणुओं की संख्या असमान हो तो, परमाणुओं की संख्या असमान हो तो उन्हें रासायनिक असंतुलित समीकरण कहा जाता है। देखिए अब आप संतुलित समझ जाएंगे ना तो असंतुलित समझ जाएंगे, कि रासायनिक समीकरण का को हम लोग संतुलित कब बोलेंगे और असंतुलित कब बोलेंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा जरा ध्यान से कि कब हम बोलेंगे संतुलित और कब बोलेंगे असंतुलित। तो भाई मेरे, आप तो देखते होंगे ना समीकरण में तीर का निशान होता है, जब तीर का निशान होता है तो उसके बाएं तरफ और दाएं तरफ दो तरफ तो होगा, बाएं तरफ को बोलते अभिकारक है और दाएं तरफ को प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, राइट। अगर आपको प्रतिफल और अभिकारक दोनों ओर की परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी, दोनों ओर अगर सेम चीज मिल जाएगी, बराबर मिल जाएगी, उसको बोल देंगे संतुलित। और असमान मिलेगी, असमान का मतलब बराबर नहीं, अगर नहीं बराबर मिलेगा तो हम बोल देंगे कि ये असंतुलित समीकरण है। लेकिन दोस्तों, जो हम लोगों को रासायनिक समीकरण यूज करना होगा वो संतुलित ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण दो तरीके की होती है, एक संतुलित और एक असंतुलित। लेकिन हम लोग अपने जनरल लाइफ में कभी भी पढ़ रहे होते हैं, कभी भी एग्जाम में लिखना होगा समीकरण को, तो कौन सा बेटर रहेगा, बेस्ट कौन सा रहेगा, तो संतुलित लिखा जाता है। अब इसका भी अपना एक अलग महत्व है, हम उन चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि संतुलित किसको कहेंगे, असंतुलित किसको कहेंगे। कोई तुमको चलते रास्ता में पूछ दिया, भाई तुम बताओ कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो हम किसको क्या बोलेंगे, कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए। अब बोलेगा असंतुलित क्या है, तो हम बोलेंगे कि बराबर नहीं हो जाए। तो क्या बराबर नहीं हो जाए, रासायनिक समीकरण के तीर के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों की तरफ परमाणु की संख्या अलग अलग हो, यानी कि असमान हो, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं असंतुलित समीकरण। जरा अब हम लोग आते हैं कि संतुलित और असंतुलित को पहचान करके बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन अभी लिखने वाले हैं, अभिक्रिया लिखने वाले हैं, और फिर आपको पहचान करना है कि कौन संतुलित रूप में है और कौन असंतुलित रूप में है। ठीक है, ये सब बुक में तो है नहीं, लेकिन हम आपको स्किल डेवलप करने के लिए, सोचने समझने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट लिखना है जो नोट में करके लिखेंगे, NOTE, नोट में करके लिखेंगे। लिखा जाए रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित की अवस्था में लिखने से अधिक प्रभावशाली माना जाता है,
लिखने से अधिक प्रभावशाली माना जाता है। हाँ, तो यहाँ पे नोट में लिखे ना कि दो तरह के रासायनिक समीकरण होते हैं, एक संतुलित होते हैं एक असंतुलित होते हैं, लेकिन दोनों में हम लोग कौन सा लिखेंगे जो बेटर रहेगा, अधिक प्रभावशाली रहता है, वो ध्यान रहे संतुलित होता है। यानी हम लोग जब भी अपने लाइफ में यूज करेंगे रासायनिक समीकरण का, हम लोग यूज करेंगे संतुलित समीकरण, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ गए, लेकिन अब देखिए होता क्या है ना, चीजों को पढ़ लेना और चीजों को अच्छे से पढ़ लेना दोनों में अंतर है। और हम लोग चीजों को भी सिर्फ पढ़े हैं, अच्छे से नहीं पढ़े। अब अच्छे से पढ़ने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल करना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा कि भाई ये देखो ऐसा होता है संतुलित और ऐसा होता है असंतुलित, मतलब मार्कर नहीं, हम यहां पे बता रहे हैं, तो पता चलेगा कि किसको बोलेंगे संतुलित और किसको बोलेंगे असंतुलित। तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अब यहां पे ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में कौन संतुलित तथा कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है, कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब आपको ये चीजें जानना पड़ेगा। अब बहुत सारे नीचे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसमें आपको चुनना पड़ेगा कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज पांच एग्जांपल आपको हम लिख कर बताते हैं। नंबर वन, कुछ इस तरीके का रासायनिक समीकरण है, 2HGO गिव्स, रिएक्शन कर रहा है 2HG+O2, राइट। फिर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एंड पांचवा क्वेश्चन, N2O5+H2O HNO3, फिर CO2 H2O H2CO3, फिर P2O5 3H2O H3PO4 C+H2O गिब्स CO+H2। चलिए यहां पे देख पा रहे होंगे आपके सामने पांच एग्जांपल्स एक रासायनिक समीकरण का दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। अब कोई भी ये चीज पूछ सकता है आपको, कोई भी रासायनिक समीकरण देगा और आपको बोलेगा कि भाई तुम तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा है कि दो रूप होता है, हम बोलेंगे यहां पढ़े हैं। अब बोलेगा कि अब तुम पहचान करो कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है, ठीक है। यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है जिसमें तीर का निशान है। अब इसमें हम क्या बोले कि तीर के निशान के पहले और तीर के निशान के बाद वाले में अगर परमाणु की संख्या सेम मिल गया, सेम मतलब कि बराबर मिल गया, वो हो गया संतुलित। अगर बराबर नहीं हुआ वो हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं क्या ये पहचान कैसे करेंगे भाई। तो उसके लिए यहां पे आपको कौन कौन सा एलिमेंट्स लिया गया है, कौन कौन सा तत्व लिया गया है, तो ये वो एच जी का मतलब होता है पारा। आप नाइन्थ क्लास में होंगे तो तत्व के नाम तो पता ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक,
तो ये सब सारा आपको पता होगा। तो वही से तत्व का नाम को सिर्फ देखना है कि यहां पे क्या है भाई, पहला में क्या यूज हुआ है। तो एचजी का मतलब होता है पारा, पारा यूज हुआ है, और O4 ऑक्सीजन यूज हुआ है, दो ही तत्व यूज हुआ है। यहां पे एचजी मतलब पारा और ओ मतलब ऑक्सीजन, तो एचजी यूज हुआ है और ओ यूज हुआ है। अब एचजी कैगो है तो उसके पहले कितना लिखा है, दो। तो यहां पे एचजी सबसे पहले आपको दिमाग में सोचना होगा कि पहला सवाल में हमको एचजी यूज हुआ है और ऑक्सीजन यूज हुआ है, तो एचजी कैगो है बाई तरफ, तो एचजी जो है बाई तरफ दो ठो है, दो लिखा हुआ है उसके पहले। और अब एचजी को दाई तरफ मिलाइए कि दाई तरफ कितना एचजी है, तो एचजी दाई तरफ भी कितना है, दो ठो है, तो एचजी तो सही हो गया, यानी कि इधर भी दो ठो, इधर भी दो ठो, यानी कि सही हो गया, बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन की भी तो पहले टू है, तो ऑक्सीजन भी कितना, दो, और यहां ऑक्सीजन कितना, दो, तो ऑक्सीजन भी दो दो दोनों तरफ बराबर। इसका मतलब ये जो आंसर होगा इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि जो पहला जो है वो हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण है। जरा अब हम लोग दूसरे पे आते हैं तो आपको सोचना कैसे है, ये चीज दिमाग में करना है, ठीक है, ये चीज दिमाग में करना है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। हम दूसरा में जरा दिमाग में सोचे कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, तो तीर के बाई ओर सिर्फ देखना है पहला बार कि कौन कौन सा तत्व इस्तेमाल हुआ है। नाइट्रोजन का मतलब N होता है, N यूज किया हुआ है, ठीक है भाई, चलो आगे लिख लो। ऑक्सीजन यूज किया है, ऑक्सीजन लिख लो, दिमाग में लिखो, अभी तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ यूज हुआ है तो हम तीर के निशान से सिर्फ और सिर्फ पहले देखेंगे कि कौन सी का यूज हुआ है। नाइट्रोजन का यूज हुआ, ऑक्सीजन का यूज हुआ, हाइड्रोजन का भी यूज हुआ, तो कॉमा करके हाइड्रोजन लिखो। और किसी चीज का यूज हुआ तो ऑक्सीजन, तो भाई तुम पहले तो ऑक्सीजन लिख लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें फिर से आ रही है हम अभी क्या देखें कि किसका यूज हो रहा है। नाइट्रोजन का यूज हो रहा है, नाइट्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन लिखा, हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन फिर से आ रहा है तो ऑक्सीजन तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, राइट। अब सोचना है, अब क्या करना है कि पहले तीर के निशान के पहले आपको देखना है कि नाइट्रोजन कैगो है, नाइट्रोजन कितना है। तो नाइट्रोजन को देख के पता चला दो है, नाइट्रोजन कितना इधर, दो, और इधर नाइट्रोजन मिलाओ कितना, तो नाइट्रोजन के नीचे तो कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। अगर यहां दो रहता तब भी हम बोलते कि दो नाइट्रोजन है, लेकिन यहां भी कुछ नहीं है और यहां भी कुछ नहीं है, तो नाइट्रोजन इधर कितना, सिर्फ एक, इधर नाइट्रोजन कितना, दो, और इधर नाइट्रोजन कितना, एक, समझ में आ रहा है। तो अभी भी जब यही हम लोगों का मामला गड़बड़ हो गया तो हम अभी भी बोल सकते हैं कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि देख लो कोई भी चीज में अगर बराबर नहीं पाया गया, मान लिया कि ई भी बराबर हो जाता, ऑक्सीजन भी बराबर हो जाता, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं होता, एक तरफ तीन ठो एक तरफ चार ठो, तब पर भी उसको हम क्या बोलते भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते, समझ में आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ सभी चीजें बराबर हो तभी आप बोलो संतुलित रासायनिक समीकरण, अन्यथा वो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे इधर नाइट्रोजन दो ठो था, यहां नाइट्रोजन एक ठो है, तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि असंतुलित, लेकिन अभी आपको हमको सिखाने का टाइम है तो इसलिए आपको हम ऑक्सीजन पे दिखाते हैं। अब भाई तीर के निशान के ऑक्सीजन पहले, ऑक्सीजन कहां कहां है, ऑक्सीजन यहां है, तो ऑक्सीजन है इतना, इसमें ऑक्सीजन कितना है, पांच, और यहां ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो इसको एक माना जाता है, कुछ नहीं रहे तो एक माना जाता है, तो पांच और एक मिलके कितना हुआ ऑक्सीजन, बाएं तरफ हो गया ऑक्सीजन छ, और दाएं तरफ ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ तीन। काउंटिंग करने के लिए सीखिए, काउंटिंग
ऐसे तो असंतुलित पता चल गया हमें, लेकिन फिर भी आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप सीखो कि हम लोग ऐसे ही काउंट करते हैं, बाएं तरफ का मतलब बाएं तरफ में जहां जहां ऑक्सीजन आया है उसको एक तरफ ऐड कर लेंगे, दिमाग में ऐड कर लेंगे। अब इसमें देखो हाइड्रोजन का भी तो यूज हुआ है, अब इसमें बाएं तरफ में हाइड्रोजन कितना है, तो इसमें तो हाइड्रोजन कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है हाइड्रोजन कितना, 2, और दाएं तरफ में हाइड्रोजन सिर्फ 1। तो ऐसे हम लोग दिमाग में काउंटिंग करेंगे और पता चलेगा कि ये क्या है भाई, तो इसका आंसर करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब फिर से भी वही बात हम लोगों को करना है। अब हमको तीर के बाएं तरफ की ओर देखने पर आपको ये दिमाग में सोचना है कि कौन कौन सा तत्व इस्तेमाल हो रहा है। तो एक कार्बन सी का यूज किया जा रहा है, फिर एक ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, फिर एक हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, और फिर से ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आप देखिए कि तीर के बाई तरफ में, तीर के बाई तरफ में कार्बन कितना है, तो कार्बन यहां पे आते हैं, तो कार्बन कितना है भाई, कुछ नहीं तो 1, कार्बन के नीचे कुछ नहीं है और न बगल में है, तो कार्बन कितना है, 1, कार्बन हो गया 1। तो कार्बन इधर 1 और इधर कार्बन कितना, दाएं तरफ आप देख लेंगे क्योंकि बाएं तरफ में तो यही कार्बन है सिर्फ, दाएं तरफ में कार्बन कितना, 1। अब कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एक को देखने से अगर दोनों बराबर हो जाता है तब लिख देंगे कि संतुलित हो गया, नहीं, सबको चेक करना है, अगर सब बराबर हो जाता है तब हम बोलेंगे कि यह संतुलित समीकरण है। अगर मान लिया कि कार्बन भी बराबर हो जाता है, ऑक्सीजन भी बराबर हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आ जाता है, ये बराबर नहीं होता है, तब हम उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यहां पे अगर बात देखा जाए तो कार्बन तो हमको पता चल गया। अब जरा इधर ऑक्सीजन देख लो आप कि ऑक्सीजन कितना है, तो इसमें ऑक्सीजन कितना, इसमें ऑक्सीजन 2 और यहां पे भी तो ऑक्सीजन है, ये तीर के बाई ओर है ना, तो बाई ओर को इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहां पे 2 और यहां पे ऑक्सीजन 1, तो 2 और 1 मिलके कितना हुआ ऑक्सीजन, 3, बाएं तरफ हमें मिल गया 3। अब दाई तरफ देख लो भाई, दाई तरफ में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के नीचे 3, तो यहां पे भी 3। अब इधर में हाइड्रोजन देख लो कि इधर में हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2, और इधर हाइड्रोजन देख लो भाई कितना है, हाइड्रोजन 2, यानी कि बाएं तरफ भी 2, दाएं तरफ भी 2, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे कौन सा समीकरण, दोनों तरफ जब परमाणु संख्या बराबर हो जाता है इसको बोल देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर आगे देखते हैं, P2O5+3H2O gives H3PO4। अगर इतना रासायनिक समीकरण में, ये अभिकारक कहलाता है, ये प्रतिफल कहलाता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन यहां पे अभिकारक प्रतिफल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये बोला जा रहा है कि कौन समीकरण संतुलित है और कौन समीकरण असंतुलित है। यहां पे आप देखिए तो क्या यूज हो रहा है, अब जरा दिमाग में करते हैं। सबसे पहले तुम सोचो पी के बारे में, क्योंकि पी का तो यूज हुआ है भाई, अब सब चीज लिखा नहीं जाएगा यार, हर बार लिखेंगे नहीं, अब आपको दिमाग में सोचवाते हैं। यहां पे पी यूज किया गया, पी मतलब होता है फास्फोरस, पी इसमें बाएं तरफ में कितना जगह आया, 1 जगह आया, 1 जगह आया, कितनी बार, पी का परमाणु संख्या 2, पी का नंबर कितना आया, 2, और दाएं तरफ पी कितना है, 1, पी कितना है, 1, तो यहीं से तो मामला गड़बड़ हो गया। हालांकि लिख देंगे जरूर कि ये असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, लेकिन पी के बारे में तो हम लोग काउंटिंग करना सीख गए। जरा ओ के बारे में काउंटिंग करना सीखिए, यहां ऑक्सीजन कितना है, 5, और यहां ऑक्सीजन कितना है भाई, तो आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन तो कुछ नहीं, तो आप तो बोले 1, लेकिन ए तो 1 ठीक है, लेकिन इसका पहले देखा जाता है, तो यहां ऑक्सीजन हो गया टोटल 3, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं है,
ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल पांच और यहाँ वाला ऑक्सीजन कितना तीन, तो पांच और तीन मिल गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया आठ, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है चार, तो असंतुलित ही है। हालांकि तो हम लोग को तो फास्फोरस को देखकर ही पता चल गया था कि ये असंतुलित है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन काउंट करना सीखिए आप, क्योंकि एक ही तरीके का सवाल नहीं आएगा। अभी हम आपको बहुत सारा सवाल देने वाले हैं जिसको आपको बताना होगा। यहां पे ऑक्सीजन कितना पांच, इसमें ऑक्सीजन कितना तीन, तो यहां पे ऐसे में भी काउंटिंग होता है, ध्यान लीजिए, ध्यान रख लीजिए, ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन पांच, तो पांच और तीन मिलकर ऑक्सीजन इधर कितना हो गया आठ, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे कितना है चार, इसलिए गड़बड़। और इसमें यूज हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां पे कितना टोटल, तो हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स। ध्यान देख लो, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाइड्रोजन हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स। अगर मान लिया कि ऐसे रहता, देख लो भाई एग्जाम्पल, आप उतार लेना इसको, ऐसे रहता थ्री एच टू ओ टू, तब इसमें हाइड्रोजन कितना भाई, हाइड्रोजन हो जाता थ्री टू जा सिक्स और ऑक्सीजन भी हो जाता थ्री टू जा सिक्स, समझ में आ रहा है। अगर यहां फाइव रहता तो ऑक्सीजन हो जाएगा तीन पचे पंद्रह। काउंटिंग करने के लिए सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। अगर मान लिया ऐसे रहता टू पी टू ओ फाइव, तो यहां फास्फोरस कितना होता, तो दो दुना का चार, ऑक्सीजन कितना होता, तो दो पच्चे दस, समझ रहे हो बात। यानी कि जब जो आगे मल्टीपल होता है उसके नीचे वाला से गुना हो जाता है। अगर मान लिया कि यहां कुछ नहीं रहता तो आप क्या समझते एक, इसलिए ना ऑक्सीजन को दो ही काउंट करते हैं। जैसे मान लिया ऐसे रहता टू पी टू ओ, तो यहां फास्फोरस हो जाएगा चार और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सिर्फ दो, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो एक माना जाता है और ऑक्सीजन को दो को और उसके नीचे वाले से गुना किया जाता है, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक, और इसलिए डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं दो। तो आप जो है ना काउंटिंग करने के लिए अच्छे से सीख लो भाई। तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया थ्री टू जा सिक्स, यहां हाइड्रोजन कितना सिर्फ थ्री, तो यहां तो तीनों का तीनों अलग अलग आया, कोई बराबर नहीं आया, इसलिए क्या हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो है ना बारी बारी से हम लोग कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले कार्बन पे चेक करते हैं। ये देखिए, ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए। हर बार आप चीजों को लिखोगे ना, लोग तुमको बुड़बक भी समझेंगे। तुम क्यों ना 100% सही करते हो, लेकिन हर चीज को तुम लिख कर ही कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। दिमाग में कुछ सोचने समझने का शक्ति ही नहीं है। आप सोचो, मन में सोचो कि यहां पे सबसे पहले कार्बन को तुम देख लो, कार्बन यहां पे कितना एक, एक इधर भी कार्बन के चेक करो, बारी बारी से चेक कर लो। कार्बन को चेक कर लिया कि इधर में तीर के बाईं ओर में एक ठो है, तीर के दाईं ओर में एक ठो है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना दो, हाइड्रोजन कितना दो, ऑक्सीजन कितना एक, क्योंकि भाई देख लो अगर हम H2O का बात करें तो हाइड्रोजन तो यहां पे दो है, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो एक ना माना जाता है, एक माना है, तो हाइड्रोजन को दो एकम दो और ऑक्सीजन को एक, इसीलिए अगर कुछ नहीं यहां पे लिखा रहे तो वही आपको मानना होता है एक। तो ऑक्सीजन हो गया एक, यहां पे भी ऑक्सीजन कितना एक, तो टोटल मिलाकर ये क्या बना, ये बना संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इतना चीजों को करने के बाद मुझे उम्मीद है एंड पूर्ण विश्वास है कि आप संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहचान कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं चीजों के आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं खुद के करने के लिए, आपको खुद से समझना है और इसका आंसर, सटीक आंसर आपको भेजना है। और जिन लोगों को पूरा में पूरा सही होगा, यानी कि लगभग हम 15 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, जो लोगों का पूरा ऑल करेक्ट होगा, दैट इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड, ठीक है। आपको बढ़िया से काउंटिंग करना चाहिए, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं। वही सवाल है, सवाल ऊपर क्वेश्चन लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन लिखा जाए, निम्नलिखित समीकरणों को की पहचान करें कि कौन संतुलित समीकरण है और कौन असंतुलित समीकरण है। ये क्वेश्चन ऊपर लिख दीजिए और फिर उसके नीचे टोटल 15 क्वेश्चंस अभी हम बोर्ड पे भरने वाले हैं, और आप इन क्वेश्चंस को फटाफट लिखना शुरू कर दो, और उसके बाद इत्मीनान से एक क्वेश्चन को लिखना, उसके नीचे आंसर करने के लिए जगह छोड़ देना। तुम
ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ क्वेश्चंस भरेगा ना बोर्ड पे, तो हम तो सिर्फ लिखते चले जाएंगे, फिर मिटाएंगे फिर लिखेंगे, फिर मिटाएंगे फिर लिखेंगे। तो आप इन चीजों को अच्छे से देखना, अच्छे से लिखना, और एक क्वेश्चंस को लिखने के बाद उसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ देना उसमें लिखने के लिए कि ये संतुलित है कि असंतुलित है, ठीक है। और कोई कटकुट नहीं, मतलब फ्रेश हैंड राइटिंग में इसको नोट डाउन करना। चलिए तो हम लोग नोट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको वही पहचान करना है कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित। 2Cu2O, देखिए ये कॉपर है, Cu2O प्लस Cu2S सल्फर 6Cu प्लस SO2। नेक्स्ट इज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर 2 में लिखेंगे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 CaO प्लस SiO2 Ca SiO3 N प्लस O3 NO प्लस O2 Mg प्लस O2 MgO SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4 N2 प्लस H2 2NH3। नेक्स्ट इज H2 प्लस O2 H2O एंड CO2 प्लस C इज 2CO, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन हुआ और हम आगे क्वेश्चन देने वाले हैं, तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे मिटाते हैं। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 2Mg प्लस O2 2MgO NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl, क्लोरीन है Cl, Mg प्लस Cu कॉपर है, एक साथ कॉपर Cu प्लस MgO गिव्स MgO प्लस Cu। नेक्स्ट CuSO4 प्लस 2NaOH गिव्स Na2SO4, राइट, CuOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट H2 प्लस Cl2 2HCl 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। देख पा रहे होंगे टोटल आपको 15 क्वेश्चंस दिया हुआ है, और इन 15 क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करके और आपको बताना है कि कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है और कौन असंतुलित समीकरण है। तो इन प्रश्नों को जरूर से जरूर आप बनाकर हमें सेंड करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, और फिर हम लोग सीखेंगे अगले दिन कुछ खास। तो धन्यवाद।